पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया है। इंग्लैंड के खिलाफ बड़ा मुकाबला है पाकिस्तान का, अगर पाकिस्तान इस मैच को जीतेगा तो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। और इंग्लैंड की टीम इस टाइम काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से दो चार है, काफ़ी सारे प्लेयर्स उनके फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं और वो अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं उस वर्ल्ड कप में। सबसे लोवेस्ट टीम जो है वो इंग्लैंड की है, पर पाकिस्तान के लिए ये टास्क कुछ ज़्यादा आसान नहीं रहेगा क्योंकि पाकिस्तान को ये मैच तो 130 रन के मार्जिन से जीतना ही होगा। और साथ ही साथ पाकिस्तान टीम के अंदर एक बहुत बड़ी चेंज होने जा रही है, जहाँ पर शादाब खान जो है वो अनफिट करार दिए जाने वाले हैं और उनकी जगह पर अबरार अहमद को प्लेइंग 11 के अंदर शामिल किया जाएगा। और दोस्तों हो सकता है यहाँ पे कि अफगानिस्तान भी आगे जाके क्वालिफिकेशन के लिए बड़ी दावेदार हो जाए, क्योंकि अफगानिस्तान भी यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन में नज़र आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के मैच में 7 आउट कर चुके हैं वो लोग 91 रन के ऊपर, तो देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि यहाँ पे अगर अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया वाला मैच जीत जाती है और न्यूजीलैंड को श्रीलंका मैच हरा देती है तो पाकिस्तान के चांसेस बनते हैं सेमीफाइनल में जाने के या नहीं बनते, और क्या सिनेरियो रहता है आगे इस वर्ल्ड कप के अंदर। आप लोग क्या लगता है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच पाएगा या अफगानिस्तान पहुंचेगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।